नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज भी राज। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 16 जून से 30 जून तक के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो फीफा वर्ल्ड कप 2018 के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप ये कहाँ पे हो रहा है, पिछला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था और अगला वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा। तो जो ऑनगोइंग वर्ल्ड कप है फीफा का, वो चल रहा है रशिया में। ये पहली बार हुआ है कि एशिया और यूरोप में ये इकट्ठे कोई फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है। जो ये 2018 का वर्ल्ड कप है, ये 21st एडिशन है वर्ल्ड कप का। हर 4 साल बाद फीफा का वर्ल्ड कप होता है। रशिया मेन होस्टिंग कंट्री है। 15 जुलाई को फाइनल खेला जाएगा मॉस्को में। इस बार जो टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है वो है 32। 4 पूल बनाए गए हैं, हर पूल में 8 देश हैं। पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2014 में, वो हुआ था ब्राज़ील में और उसको जीता था जर्मनी ने, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन इस बार जर्मनी है। और जो अगला वर्ल्ड कप होगा वो होगा 2022 में कतर में। पहली बार हुआ है वर्ल्ड कप के इतिहास में, 1938 के बाद पहली बार हुआ है कि जर्मनी नॉकआउट स्टेज में ही बाहर हो चुका है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी फाइल है, जितने क्वेश्चंस में इतने पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा वो, और उसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको पीडीएफ फाइल पे मिल जाएगा। नीचे मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने नाबार्ड द्वारा प्रकाशित एक बुक जिसका नाम है वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स, वो जारी करी। और यह जो किताब है वो मुख्य कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक गुलाटी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें 10 महत्वपूर्ण फसलों का अध्ययन किया गया। और उन फसलों में मुख्य रूप से शामिल है चावल, गेहूं, मक्का, दालें, तिलहन, गन्ना, कपास, आलू इत्यादि। उस पर बेस्ड है ये बुक और नबार्ड ने इशू की है। तो हमें नबार्ड के बारे में जानकारी होना जरूरी है। नबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और नबार्ड के जो चेयरमैन है इस समय वो है डॉक्टर हर्ष कुमार भावला। एक वेटरन जर्नलिस्ट आदि राजू वेंकटेश्वर राव का देहांत हो गया 79 इयर्स की एज में। करंट अफेयर्स की पॉइंट से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो तेलंगाना 1969 में अलग तेलंगाना आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी और हाल ही में राज्य सरकार ने उन्हें तेलंगाना दिवस समारोह के दौरान सम्मानित भी किया था। तेलंगाना जो एजिटेशन हुआ था 1969 में स्टार्ट हुआ था। जो ये जर्नलिस्ट थे वो तेलुगु और इंग्लिश न्यूज़पेपर में लिखते थे। और तेलंगाना जो स्टेट है उसकी फॉर्मेशन हुई थी 2 जून 2014 में और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने इसकी शुरुआत करी और यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल नई दिल्ली में शुरू हुआ। 14 लेटेस्ट यूरोपियन मूवीज दिखाई जाएंगी 23 देशों की। इस फेस्टिवल को जो ऑर्गेनाइज किया है वो किया है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। यूरोपियन यूनियन के बारे में जानते हैं तो यूरोपियन यूनियन में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के पॉइंट से। उसका कारण ये है कि ब्रिटेन में अभी ब्रिटेन ने एग्जिट किया है, ब्रेक्सिट आपने सुना होगा, ब्रिटेन ने एग्जिट किया है यूरोपियन यूनियन से। तो 28 देशों का यूरोपीय संघ अब 27 देशों का रह गया है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं। और जो यूरोपियन यूनियन है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी जो आबादी है वो चीन और भारत के बाद तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है यूरोपियन यूनियन की। अभी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई नीति आयोग की दिल्ली में। एग्जाम के पॉइंट से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 23 मुख्यमंत्री आए और अंडमान और निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। नीति NITE इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका कि पूर्व में नाम था योजना आयोग। और जैसा आप जानते हैं
योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ का नाम है अमिताभ कांत। नेक्स्ट पॉइंट है अश्विनी कुमार चौबे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने कॉमन रिव्यू मिशन रिपोर्ट रिलीज करी है और ये 11वीं रिपोर्ट है अपने तरह की नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक रिकॉर्ड 22% की रिडक्शन हुई है दर्ज MMR में 2013 से। MMR मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट जो कि इस समय 130 है एज कम्पेयर टू 167 जो कि 2011 और 13 के बीच में। IRDAI ने एक पैनल बनाया है जो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स हैं उनके रेगुलेशंस को रिव्यू करने के लिए और उस पैनल में या उस कमेटी को जो हेड करेंगे वो होंगे IRDAI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश माथुर और उनके साथ इस कमेटी में होंगे 9 सदस्य। और IRDAI की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके जो चेयरमैन है नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। यूनियन गवर्नमेंट ने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है फ्लड फोरकास्टिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और स्ट्रेटेजी के इम्पोर्टेंट है। जल संसाधन के क्षेत्र में जो भारत की अपेक्स टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन और या हिंदी बोल सकते हैं केंद्रीय जल आयोग, उसने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए गूगल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गूगल अपने डिजिटल एलिवेशन मॉडल का इस्तेमाल करके और CWC के डाटा को क्लब करके बाढ़ की भविष्यवाणी प्रणाली के ऊपर काम करेगा और भारत को इससे डाटा मिलेगा और साथ ही जो हमारे देश की नदियां हैं उस पर ऑनलाइन कल्चर प्रोजेक्ट में सुधार हो, उच्च प्राथमिकता अनुसंधान परियोजना, ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिन पे काम किया जाएगा। गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई जो कि इंडिया से है और जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन और गूगल का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। धनुष का फाइनल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। धनुष है क्या? धनुष एक आर्टिलरी गन है, नोट करें प्लीज, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है धनुष क्या है तो वहां पे ऑप्शन आएंगे मिसाइल है क्या है। एक स्वदेशी अपग्रेडेड आर्टिलरी गन है जो कि भारत ने खुद डेवलप की है और कहां से डेवलप की है, जो स्वीडन की बोफोर्स गन थी उसको अपग्रेड करके और ये अब फाइनल इसका जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल रहा है और सेना में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। कर्नाटक के कैगा जनरेटिंग सिस्टम 1 KGS-1 ने 766 दिनों के लगातार चलने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। कंटीन्यूअस ऑपरेशन ऑफ 766 डेज। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं J&K से। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सईद ने जो कि पीडीपी पार्टी से संबंधित है, उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन हटने के बाद राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं राम माधव, उन्होंने इसकी घोषणा की और बीजेपी ने समर्थन वापस लेने का जो कारण बताया वो ये बताया कि राज्य की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और अपने वादों को पूरा करने के लिए महबूबा की सरकार अब सक्षम नहीं है। राज्यपाल को इस्तीफा दिया तो राज्यपाल का नाम जाना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम है NN वोहरा। जम्मू कश्मीर में दो राजधानियां हैं, एक शीतकालीन राजधानी और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी। शीतकालीन राजधानी विंटर कैपिटल जम्मू है और समर कैपिटल है श्रीनगर। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो FPI है, RBI ने ऋण पत्र या बॉन्ड खासतौर पर जो बड़ी निजी कंपनियां हैं उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए निवेश के नियम आसान किए हैं। ऐसा विदेशी निवेश को फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया है और दावा किया जा रहा है कि इससे एक तरफ रुपए की गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी और दूसरी तरफ जो हाल ही में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड गिरे हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड की गिरावट से उभरने में भी मदद मिलेगी। RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में FPI की जो लिमिट है वो 20% से बढ़ा करके 30% कर दी है। RBI के गवर्नर है उर्जित पटेल, RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। तमिलनाडु की 19 वर्षीय छात्रा अनुकृति वास को फेमिना मिस इंडिया 2018 चुना गया मुंबई में। उन्हें ताज पहनाया मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी चिल्लर ने और फर्स्ट रनर अप रही
हरियाणा की मीनाक्षी चौधरी और सेकंड रनर अप रही आंध्र प्रदेश की श्रेया राव। पहली मिस वर्ल्ड जानते हैं आप कौन थी भारत से? जी हाँ, रीता फारिया। शी वॉज द फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया जो कि चुनी गई थी 1966 में। एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की। ये जो लाइब्रेरी है ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बन जाएगा सभी एजुकेशनल नीड्स के लिए। आप गूगल प्ले स्टोर पे भी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की ऐप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इस लाइब्रेरी में 200 से अधिक भाषाओं में 35 लाख से भी अधिक ई बुक्स अवेलेबल होंगे। आई हरियाली मोबाइल ऐप किस प्रदेश ने लॉन्च करी है? पंजाब सरकार ने आई हरियाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस ऐप से जो यूजर्स हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे पौधों का। और पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है पंजाब के वीपी सिंह बदनौर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों का चुनाव होना था, 100 स्मार्ट सिटी कौन सी बनी है? जी हाँ, शिलोंग गेट्स सेलेक्टेड एज द 100 स्मार्ट सिटी। शिलोंग जो कि मेघालय की राजधानी है उसने अपना दावा प्रस्तुत किया था, उसके मूल्यांकन के बाद उसे 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में चुन लिया गया है। अभी तक 99 शहरों का चयन हो चुका था जिसमें कि 2016 में सबसे अधिक 60 शहरों का चुनाव हुआ था, 2017 में 30 शहरों का चुनाव हुआ और 2018 में 10 शहरों के चुनाव के बाद का शिलोंग को ये 100वें स्मार्ट सिटी होने का गौरव हासिल हुआ। 2016 में पहले राउंड में 20 स्मार्ट सिटीज सिलेक्ट हुई थी, उस लिस्ट में भुवनेश्वर ने टॉप किया था। 21 जून को सेलिब्रेट किया हम सबने इंटरनेशनल डे फॉर योगा। ये चौथा इंटरनेशनल योगा डे था जो कि स्टार्ट हुआ था 2015 में और 2018 का योगा डे का जो थीम था वो योगा फॉर पीस। और योगा डे 2018 का थीम रहा है योगा फॉर पीस। और 2015 में यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में 21 जून को हर वर्ष इंटरनेशनल डे फॉर योगा मनाने की घोषणा की थी और इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था जनरल असेंबली में 177 देशों ने। और 2018 के लिए योगा की प्रमोशन और डेवलपमेंट में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड दिया गया विश्वास मंडलिक को मुंबई के नासिक में। भारत की जो पहली ब्रांच है योगा विद्या धाम उसकी स्थापना की थी विश्वास मंडलिक ने 1978 में। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ही स्मार्ट सिटीज अवार्ड भी दिए जा रहे हैं हर साल और 2018 का स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया है सूरत को जो कि गुजरात में है। जो भी पैरामीटर्स है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर उनको पूरा करने के आधार पर किसी न किसी शहर का चुनाव होता है। तो इस बार 2018 का जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है सूरत। जो इसकी और डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं, मैंने पीडीएफ में एक लिंक दिया है उसको डाउनलोड करके। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपरलेस वाणिज्य भवन की नींव रखी नई दिल्ली में। बिल्डिंग के तैयार होने के बाद इसमें वाणिज्य विभाग होगा। इमारत में लगभग 1000 अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल होगा, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सारी सुविधा नेटवर्क सिस्टम जैसे इस भवन में होंगी। वाणिज्य विभाग वर्तमान में उद्योग भवन में स्थित है। विंड सोलर हाइब्रिड पावर पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की है? जी हाँ, आंसर है गुजरात। गुजरात ने लॉन्च की है और गुजरात वर्तमान में 5500 मेगावाट से अधिक की विंड एनर्जी पवन ऊर्जा और 1600 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। बैंकिंग सेक्टर में काफी उथल पुथल रही इस पखवाड़े में। पहले बी श्री राम को अपॉइंट किया गया आईडीबीआई बैंक का एमडी जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी थे पहले। आईडीबीआई के बारे में पिछली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने सारा डिटेल में बता रखा है। बी श्री राम को नियुक्त किया गया था एक 3 महीने के लिए टेम्पररी बेसिस पे और ये पद खाली हुआ था एम के जैन के कारण जिनको बना गया था डिप्टी गवर्नर आरबीआई का, क्योंकि डिप्टी गवर्नर आरबीआई के 4 होते हैं तो एक पोस्ट खाली पड़ी थी 2017 से। बी श्रीराम जुलाई 14 से एसबीआई में एमडी ग्रुप में कार्य कर रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के एमडी भी हैं। भारत के आर प्रज्ञानानंद विश्व के दूसरे सबसे कम उम्र के युवा चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, वर्ल्ड सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। प्रज्ञानानंद ने यह उपलब्धि 12 साल 10 महीने और 13 दिनों में हासिल करी। लेकिन जो विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है वो है यूक्रेन के सर्गेई कर्जाकिन जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी 2002 में 12 साल
7 महीने की उम्र में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी बनाए गए हैं अरिजीत बासु, जो कि स्थान लेंगे रजनीश कुमार का। रजनीश कुमार को बना दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन। आरबीआई की तरह ही स्टेट बैंक के जो नियम है उसमें प्रावधान है 4 एमडीज का, जैसे कि आरबीआई में प्रावधान है 4 डिप्टी गवर्नर का, उसी प्रकार स्टेट बैंक में भी 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं। अरिजीत बासु ने टोक्यो और जापान में भी बैंक के कई उच्च पदों पर कार्य किया है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किस देश में हाल ही में एक ऑयल रिफाइनरी की फाउंडेशन स्टोन रखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मंगोलिया में रखी है नींव, और मंगोलिया की ये पहली तेल रिफाइनरी है, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ मंगोलिया, और भारत इसके लिए $1 बिलियन ऋण की मदद दे रहा है। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टैंटिन सिंह हुलोई रिफाइनरी निर्माण के लिए इस समारोह में खुद भाग लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति किसान योजना की शुरुआत की है? गुजरात में। जी हाँ, गुजरात सरकार ने किसानों के लिए सौर ऊर्जा योजना, जिसका नाम है सूर्य शक्ति किसान योजना यानी SKY की शुरुआत की है। यह योजना, इस योजना की घोषणा गांधीनगर में मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने की। बेसिकली ये योजना क्या है, जो मौजूदा बिजली कनेक्शन वाले किसान हैं उनकी जो लोड रिक्वायरमेंट्स है उनके अनुसार उनको सौर पैनल दिए जाएंगे। सौर पैनल जो है वो सेंट्रल और स्टेट की जो परियोजना की लागत है उसकी 60% सब्सिडी दी जाएगी। 5% कॉस्ट किसानों को खुजेलनी पड़ेगी। जो बाकी का जो 35% है वो 4.5-6% की ब्याज दरों के साथ एक ऋण के रूप में उनको दिया जाएगा। आईफा अवार्ड 2018 की घोषणा हो चुकी है। 2018 जून में इंडियन इंटरनेश्नल फिल्म अवार्ड्स, दिवंगत श्रीदेवी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। मॉम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मरणोपरांत का अवार्ड भी उन्हें दिया गया, जबकि इरफान खान को उनकी फिल्म हिंदी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। पूरी लिस्ट अवार्ड्स की आप देख सकते हैं, नीचे मैंने PDF का लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और ये अवार्ड्स की लिस्ट और जो पूरे जो करंट अफेयर्स है 16 जून से 30 जून तक की पूरी PDF फाइल नीचे लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगी, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2018 का? यह वसुंधरा राजे को, राजस्थान की मुख्यमंत्री, और ये अवार्ड दिया गया दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में। दिल्ली में दिया गया लेकिन राजस्थान की सीएम को दिया गया, तो राजस्थान के गवर्नर का नाम भी पूछ लेते हैं। जी हाँ, आपको पता ही है कल्याण सिंह है प्रेजेंट गवर्नर राजस्थान के। संदीप सेजवाल। जी हाँ, 3 बार बोला है मैंने, क्योंकि भारत का एक उभरता सितारा है स्विमिंग की दुनिया में, जिसने सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के 50 मीटर ब्रेथ स्ट्रोक इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और इसके अलावा वृद्धावल खाड़े ने 50 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता, जबकि संदीप ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए 27.59 सेकंड का समय लिया, जो कि रिकॉर्ड तोड़ा है सिंगापुर के तैराक मिल्का। नासा की रिकॉर्ड ब्रेकिंग एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन 22 साल के कार्यकाल के बाद रिटायर हो गई। 1986 में उन्होंने अपने शोधकर्ता के रूप में काम की शुरुआत करी थी। पैगी विटसन 58 वर्ष में रिटायर हुई है, सबसे वरिष्ठ महिला अंतरिक्ष यात्री है और 10 मिशन के साथ जुड़े रहने वाली सबसे एक्सपीरियंस्ड महिला यात्री है। और अपने जीवन के 665 दिन पैगी ने अंतरिक्ष में बिताए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। नासा को एक्सपेंड करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की स्थापना हुई थी 1958 में, और जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के 13वें, उनका नाम है जेम्स फेडरिक। वर्ल्ड बैंक ने किस देश को उसके प्राथमिक शिक्षा सुधार के काम के लिए $700 मिलियन की सहायता की मंजूरी दी है? अगर ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा होगा तो हमारे दिमाग में आंसर इंडिया ही आएगा, लेकिन आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश का एक प्रोजेक्ट है एजुकेशन फॉर ऑल विजन, उसको अचीव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये मदद दी है। एक प्रोग्राम है वहाँ पे क्यू लीप क्वालिटी लर्निंग फॉर ऑल प्रोग्राम, उसमें भी प्राइमरी से
ग्रेड फाइव तक के 18 मिलियन से अधिक बच्चे शामिल होंगे, तो उसको पूरा करने के लिए सहायता राशि दी गई है। और जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जिम योंग किम, और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। क्या आप जानते हैं 700 मिलियन डॉलर कितने होते हैं? 4,800 करोड़ रुपए। अमेरिका ने ग्रीन फील्ड एफडीआई इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में भारत को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, क्योंकि भारत में पिछले 2-3 वर्षों से बहुत अधिक जोर दिया गया है एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन फील्ड एफडीआई की। ग्रीन फील्ड का मतलब हुआ नई परियोजनाओं के लिए जो एफडीआई होती है, नई परियोजनाओं के लिए जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है उसको हासिल करने के मामले में अमेरिका ने 2017 में भारत को पीछे छोड़ दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की एफडीआई रिपोर्ट में कहा गया है, जो रिपोर्ट 2018 में आई है, कि 2017 में भारत में जो नई एफडीआई परियोजनाएं हैं उसमें गिरावट आई है 21% की दर से, और वो परियोजनाएं घटकर 637 रह गई है। ध्यान रहे कि 2015 और 2016 में इस लिस्ट में भारत पांच की तरह, इस बार भी 20 जून को मनाया गया वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 2018 का थीम है नाउ मोर देन एवर वी नीड टू स्टैंड विद रेफ्यूजी। और वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की शुरुआत हुई थी 4 दिसंबर 2000 को, जिसको की शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशंस ने, और यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में लिया है। किस देश ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से अपना नाम वापस ले लिया है? जी हाँ, आंसर बहुत हैरान कर देने वाला है, यूनाइटेड स्टेट्स ने। और रीजन क्या दिया है? रीजन दिया है कि जो उसका अलायंस है, जो उसका सहयोगी देश है इसराइल, उसके खिलाफ जो है पक्षपात के आरोप लग रहे हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ऊपर। ऐसा पहली बार हुआ है यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में, खासतौर पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के इतिहास में। इतना पुराना इतिहास नहीं है इसका, क्योंकि इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, तो 12 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी देश ने स्वेच्छा से इसकी मेंबरशिप छोड़ दी हो। हालांकि 2011 में लीबिया को वोटिंग के बाद बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन स्वेच्छा से कोई देश बाहर हुआ हो ऐसा पहली बार हुआ है। कोलंबो में इंटर गवर्नमेंटल मिनिस्टर मीटिंग हुई और विषय था एंटी डोपिंग, खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए और खेलों को स्वस्थ बनाने के लिए इस पर चर्चा हुई। जो फाइनल गैदरिंग थी उसमें वाडा के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। जब भी डोपिंग बात आती है तो एक इंटरनेशनल एजेंसी है वाडा, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और जो ये इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग हुई थी इसमें 29 देशों ने भाग लिया भारत सहित। और वाडा का जो प्रेसिडेंट है इस समय उनका नाम है सर क्रेग रेडी, और वाडा का जो हेडक्वार्टर है वो है कनाडा के मॉन्ट्रियल। अमेरिका ने विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है समिट। जी हाँ दोस्तों, नाम याद कर लीजिए, समिट टाइटन को भूल जाइए, क्योंकि समिट से पहले जो टॉप रैंक सिस्टम था उसका नाम था टाइटन। अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सुपर कंप्यूटर है समिट, जो कि 1 सेकंड में 2,00,000,000,000,000, जी हाँ 2,00,000,000,000,000 कैलकुलेशंस कर सकता है। और समिट है वो टाइटन से 8 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। आरबीआई ने आउटवर्ड रेमिटेंस यानी कि धन के बाहरी प्रवाह को रोकने के लिए किस चीज की डेफिनेशन बदली है? क्रेडिट की, मनी की, करेंसी की, या रिश्तेदारों की, रिलेटिव्स की? जी हाँ, आरबीआई ने करीबी रिश्तेदारों की श्रेणी को थोड़ा चेंज किया है ताकि जो आउटवर्ड रेमिटेंस है उस पे एक चेक लगाया जा सके। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स के तहत जो अभी तक फंड ट्रांसफर किए जा रहे थे वो अब केवल पेरेंट्स, स्पाउसेस, चिल्ड्रन और उनके स्पाउसेस को ही अब ट्रांसफर कर पाएंगे, और ये चेंज किया है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण दिया उन्होंने कि कुछ पारिवारिक कारण है, क्योंकि 2014 के बाद उनकी 3 साल की नियुक्ति हुई थी 2017 तक के लिए, और उसके बाद उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया था, तो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ड्रग दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया, और 2018 का थीम रहा है लिसन फर्स्ट, लिसनिंग टू चिल्ड्रन एंड यूथ इज द फर्स्ट स्टेप टू हेल्प देम ग्रो हेल्दी एंड सेफ। फर्स्ट ट्राइबल क्वीन ऑफ इंडिया, जी हाँ, उड़ीसा की
पल्लवी दरवा को आदि रानी कलिंग जनजाति रानी प्रतियोगिता में पहली जनजातीय रानी फर्स्ट ट्राइबल क्वीन के रूप में ताज पहनाया गया। महिलाओं के लिए विश्व में सबसे असुरक्षित देश कौन सा है? आपको यकीन हुआ इसके? लेकिन कुछ ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक सर्वे किया, उसमें कहा गया कि भारत में जो यौन उत्पीड़न होते हैं और उच्च जोखिम है, यहाँ तक कि गुलाम श्रम में मजबूर होने के कारण उसका भी हवाला दिया गया, उसके कारण महिलाओं के लिए जो है भारत दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। मर्सिडीज के ड्राइवर ल्यूस हैमिल्टन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपना नंबर वन का पद बरकरार रखा है। उन्होंने हराया रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन को, लेकिन हराने की बात यह रही यहाँ पे कि फरारी के सेबेस्टियन वेटल पांचवें स्थान पर रहे। संयुक्त राष्ट्र की अमेरिकी राजदूत निक्की हेली, जो कि अभी दो दिन की यात्रा पर भारत आई है, और उनका स्वागत किया गया एक उपमा देकर कि पंजाब के जो सिख अप्रवासी हैं उनकी पुत्री है, और अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन में कैबिनेट स्तर पर तक सर्विस देने वाली पहली भारतीय अमेरिकी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेजेंट है अमेरिका के 45वें, और कैपिटल है अमेरिका की वाशिंगटन DC का है। दुनिया के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास की शुरुआत हुई June 18 में, जिसमें भारत सहित 26 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया, और इस अभ्यास को नाम दिया गया RIMPAC का, मतलब RIMPAC, रिम ऑफ द पैसिफिक। और ये जो अभ्यास हुआ ये हुआ पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में कहाँ हुआ? हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर आइलैंड पे। इंडियन नेवल शिप सह्याद्री भी शामिल हुआ इसमें, और जो इस समय प्रेजेंट चीफ है नेवल स्टाफ के इंडिया में, उनका नाम है एडमिरल सुनील लांबा। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट लॉ को अप्रूवल मिल गया है। जी हाँ, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने इस कानून पर जो महिलाओं से बहस चली आ रही थी उसको खत्म करते हुए, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं टेरिजा मे, उनका जो प्रमुख कानून था ब्रेक्जिट लॉ, उसको सहमति प्रदान कर दी है। इसके बाद जो है अब औपचारिक रूप से जो इंग्लैंड है वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं रहेगा, और जो यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज है उनकी संख्या घटकर 28 से 27 रह जाएगी। पाकिस्तान के नासर खान जंजवा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो किस पद पर थे? जी हाँ, वो किस पद पर थे? नासर खान जंजवा पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जो कि सरताज अजीज के बाद बने थे 2015 में, और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है बिना किसी कारण के। 16 वर्षीय भारतीय शूटर सौरभ चौधरी ने जर्मनी के सोल में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। 243.7 शॉट दिए उन्होंने, और चीन के शूटर वांग जेवाओ का रिकॉर्ड तोड़ा। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, और 2018 का थीम रहा है क्वालिटी एश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। यह दिन भारत के मुख्य अर्थशास्त्री प्रोफेसर PC मालानोबिस की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। PC मालानोबिस जो कि हमारे प्लान मॉडल है, हमारे जो 5-year प्लान थी शुरू की, 1st 5-year प्लान, 2nd 5-year प्लान में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनके नाम पे प्लान मॉडल भी बने हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन सुरेश प्रभु ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है रीयूनाइट। यह ऐप भारत में लापता बच्चों को ट्रैक करने और उनको ढूंढने में मदद करेगी। भारतीय महिला धावक दूती चंद ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर रेस में, और ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया 58th नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि अभी हाल ही में असम के गुवाहाटी में हुई। और उन्होंने जो अपना पिछला रिकॉर्ड बनाया था वो बनाया था इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में 2017 में, और पिछला रिकॉर्ड था 11.30 सेकंड का, और अब नया रिकॉर्ड बना है 11.29 सेकंड 100 मीटर रेस महिला वर्ग। इसके बाद उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है 100 मीटर एंड 200 मीटर में एशियन गेम्स के लिए।
भारतीय महिलाओं की टीम की कप्तान बनाई गई हैं फॉरवर्ड प्लेयर रानी रामपाल। नासा विश्व का सबसे हल्का सैटेलाइट लॉन्च करेगी। आप जानते हैं सैटेलाइट को किसने डिजाइन किया है? जी हाँ, चेन्नई के कुछ छात्रों ने। तमिलनाडु के चेन्नई के पास हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के चार फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग छात्रों ने दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह विकसित किया है, जो कि अगस्त 2018 तक यूएसए में नासा फैसिलिटी से लॉन्च किया जाएगा। इसका साइज है लगभग 4 क्यूबिक सेंटीमीटर और वजन है लगभग 34 ग्राम। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।